हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की बुक जो है मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान इसमें वास्तुनिष्ठ लिख रखा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये विषय सूची दी रखी है। आज हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, वन और पर्यावरण। एक ही लेक्चर में पूरा वन और पर्यावरण को डिस्कस कर लेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पहले से लेके 8 चैप्टर मैंने डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 8 चैप्टर हो गए हैं। इस लेक्चर में हम 9वां नंबर का चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और बाकी चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट भी करें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो 9वें नंबर का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते, ज्यादा देरी ना करते हुए, वन और पर्यावरण। देखो इस चैप्टर में वैसे तो बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन काम काम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि करंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का वना आच्छादित क्षेत्र कितना है दोस्तों। तो ये नई रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसमें हमको पता चला कि 77,714 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में जंगल है। 77,414 मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, देखो दो बार और रिपीट हो सकता है, तो इसका आंसर पहला सही होगा। समझ में आ गया। देखिए मध्य प्रदेश में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.11% है दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र का 25.11% है। अगर क्वेश्चन पूछता है राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 13.72% वन क्षेत्र है। 13.72% वन क्षेत्र है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 12.4% है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपने यहाँ कितना है, 13.72% है, लेकिन 33% वन होना अनिवार्य है। कितने परसेंट? 33% वन होना अनिवार्य है। तो यहां से याद रखने की बनती है ऑप्शन नंबर ए 77,414, और दूसरा ये वाला फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है 13.72। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वना आच्छादित है? भारत का कौन सा राज्य वना आच्छादित है? वना आच्छादित का मतलब होता है दोस्तों फॉरेस्टेड है। इसको हिंदी में अगर इसकी परिभाषा बात की जाए, तो जिस क्षेत्र में अधिक से अधिक पेड़ पौधे वन होते हैं उसे कहा जाता है। जिस क्षेत्र में अधिक से अधिक वन पेड़ पौधे होते हैं उसे कहा जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जो भारत में सर्वाधिक वना आच्छादित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, याद रखना है आपको, है ना। देखो मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल याद रख लो, मध्य प्रदेश डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्ट क्या कहना चाह रहा है। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का भी बालाघाट जिला ऐसा है जहां पे सर्वाधिक वन है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक वनों का विस्तार बालाघाट जिले में है, याद रखना है ना। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट में है, अब सबसे कम वन क्षेत्र उज्जैन में है दोस्तों। अगर क्रम देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र बालाघाट में, दूसरे नंबर में छिंदवाड़ा है, तीसरे नंबर में बैतूल, फिर श्योपुर, फिर डिंडोरी। अब अगर हम कम वाले का देखें तो उज्जैन सबसे कम है, फिर साजापुर के बाद है रतलाम, भिंड और राजगढ़। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो अगला क्वेश्चन में यही पूछा है सबसे न्यूनतम वन कहाँ है। तो मैंने बता दिया था न्यूनतम वन उज्जैन में है, सर्वाधिक वन बालाघाट में है और न्यूनतम वन उज्जैन में है। तो यहाँ पे ये देखो सारणी दी हुई है, तो वही वाली सारणी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो चार आधारों पर वनों को वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। चार आधारों पर इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्मी और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, है ना। तो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र कहलाता है जो
भूमध्य रेखा से दोनों ओर, भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्ध में जीरो से लेकर 30 डिग्री अक्षांश, जीरो से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो हमारा मध्य प्रदेश कर्क रेखा में स्थित है, इसका मतलब 23.5 डिग्री की तरफ में स्थित है, है ना। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों, जिन्हें चार आधारों पर क्रमशः वर्गीकृत किया गया है। जलवायु के आधार पर कर दिए अलग से, प्रादेशिक विविधताओं के आधार पर कर दिए, प्रजाति विविधताओं के आधार पर किया गया है, और प्रशासनिक आधार पर इसको विभक्त कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो देखो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण दिया हुआ है, तो जलवायु के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो जलवायु के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, जलवायु के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जलवायु के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वन जो है यहाँ पे 50 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर होते हैं, ये 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लकड़ी पाई जाती है वो सागून, शीशम, नीम, पीपल आदि के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, है ना। और ये क्षेत्र वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर अर्ध पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, अर्ध पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, होशंगाबाद, सिवनी आदि जिलों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब बात करेंगे दूसरा, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। अर्ध पर्णपाती वन ये 100 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। यहाँ पूर्ण पत्तों को नहीं गिराते, यानी ये पत्ते नहीं गिराते दोस्तों, यहाँ सागून, साल, बांस मुख्यतः पाए जाते हैं। ये वन प्रदेश मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी आदि जिलों में मिलता है। अगला बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये शुष्क वन जो है ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी 50 से 75 वाले सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले स्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः कटीले वन देखने को मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती में कटीले वन कांटे वाले, हर्रा, बबूल, शीशम, टिक्कर, पलाश, तेंदू, है ना, ये सब थोड़े कांटे वाले वन यहाँ पे मिलते हैं। और ये क्षेत्र है शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो जलवायु के आधार पर मैंने आपको यहां बता दिया, इसको याद रखना है। अब बात करेंगे प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, कैमूर विंध, विंध कैमूर प्रदेश एक, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा है मुरैना शिवपुरी का पठार। ये प्रादेशिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, याद रखना है। प्रजाति के आधार पर देखा जाए तो साल के वन, सागून के वन और मिश्रित वन है, है ना, प्रजाति के आधार पर तीन। और प्रशासनिक आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, यानी इसको इंग्लिश में अगर मैं आपको बोल के बताऊंगा तो संरक्षित का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, है ना, ये प्रोटेक्टेड रिजर्व और अवर्गीकृत का अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक के इसको याद रख लो, कभी पूछा तो बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जलवायु की विविधता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो तीन भाग में मैंने अभी बताया था, तीन भागों में बांटा गया है, कुछ नहीं है उसमें। अगला देखते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वन समूह में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन सा है, वन आच्छादन कौन सा है। तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों, इसको याद रख लेना है, क्वेश्चन को आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो सर्वाधिक बालाघाट जिले में मैंने बताया था वन, और बालाघाट सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर साल की एक लकड़ी होती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबास्टा, सोरिया रोबास्टा। तो साल का वन का प्रतिशत
4.15% है दोस्तों। साल के वन हमारे यहाँ 4.15% पाए जाते हैं, इसको याद रखना है। साल का कितना है ये 4.15%, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रजाति के आधार पर कितने वनों को बांटा गया, अगर क्वेश्चन है तो तीन टाइप में बांटा गया प्रजाति के आधार पर, मैंने बता दिया था सागुन साल, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आया हुआ है मध्य प्रदेश के कितने परसेंट भूभाग पर सागुन के वन पाए जाते हैं। सागुन का साइंटिफिक नेम होता है टेकोना ग्रेंडिस, ट्रेकोना ग्रेंडिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये 19.36% भाग पर पाए जाते हैं, 19.36% भाग पर ये टेकटोना ग्रेंसी ग्रेडिस पाए जाते हैं, जो सागुन के वन, सागुन को हरा सोना भी कहते हैं, सागुन को हरा सोना भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 19.36% भाग में पाए जाते हैं। सागुन वनों की सर्वाधिक सघनता होशंगाबाद में बोरी घाटी क्षेत्र में मिलता है ना, तो ये याद रखना है ये 19.36। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सागुन वन किधर किधर पाए जाते हैं बताया गया है, सागुन वन इधर साइड पाए जाते हैं, साल के वन जो है देखो ये इधर साइड पाए जाते हैं, मिश्रित वन इधर साइड, और कटीले वन मैंने बता दिया मध्य भारत के पठार तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, दो बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागुन के पेड़, इन पेड़ों की निम्नलिखित में से कौन सी निकटतम विशेषता है बोला है, तो निकटतम विशेषता तो देखो इनमें शंकुधारी आकार के वृक्ष होते हैं, तो नहीं होते दादा, शंकुधारी आकार के वृक्ष तो पर्वत वाले इलाकों में होते हैं। इसका आंसर सी है सीधे, इसमें व्यापक पत्ते पाए जाते हैं। व्याख्या पढ़ लेना, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागुन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन दिया है इसने रातापानी बाघ अभ्यारण्य, इसका आंसर सतपुड़ा अभ्यारण्य भी हो सकता था दोस्तों। ये पीईबी की एग्जाम वाला पागल हो जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, है ना, होशंगाबाद जिले के बोरी घाटी और रातापानी अभ्यारण्य जो सतपुड़ा वाला एरिया है वहाँ पे सागुन वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसका आंसर रातापानी भी हो सकता है, तो रातापानी इसका आंसर दिया है इसने। नर्मदा घाटी क्षेत्र सतपुड़ा वाला, है ना, होशंगाबाद, ये रातापानी अभ्यारण्य, ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लो बस, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, ये भी उतना वो नहीं है, पर प्रतिशत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का प्रतिशत कितना है पूछा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, ये देखो ये साथ में पूरा सारणी बना के दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति कब आई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की जो प्रथम वन नीति है, मध्य प्रदेश की जो प्रथम वन नीति, मध्य प्रदेश की पहली या प्रथम वन नीति 1952 में लाई गई थी दोस्तों, 1952 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति लाई गई थी, और वर्तमान में 4 अप्रैल 2005 की वन नीति लागू है, वर्तमान में 4 अप्रैल 2005 की वन नीति लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर साइड है, है ना, ये सब दिया हुआ है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 22वें नंबर का क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रबंधक से क्वेश्चन आते हैं, है ना, भारतीय वन प्रबंधक संस्थान भोपाल में है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है, ये आ चुका क्वेश्चन है और 2-3 बार रिपीट भी हो गया है। 16 वन व्रत में बांटा गया है दोस्तों, 16 वन व्रत क्षेत्र में बांटा गया है, याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्षेत्रीय वन व्रत कितने हैं मध्य प्रदेश में, क्षेत्रीय वन मंडल या वन व्रत कितने हैं, तो 16 है, 16 में बांटा गया है, जिसमें से एक चीज याद रखने लायक है, सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा और सबसे छोटा वन व्रत है होशंगाबाद, इतना याद रखो। ये देखो यहाँ पे इसमें ये वन व्रत कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 16 है, उप यानी वन मंडल कितने, 63, तो ये 16 और 63 को याद रखना है, एग्जाम में आता है। उसके अलावा उप वन मंडल कितने, तो 135, उसके बाद ये नीचे का याद नहीं भी रखे चलेगा, अभी तक नहीं पूछे गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में पूछा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आते रहता है और आगे भी आते रहेगा। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अधिकरण का गठन कब किया गया था, तो राज्य वन विकास अधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया था, आया नहीं है अभी तक के, लेकिन देख सकते हैं। इसरो का एक क्वेश्चन है,
इसरो ने बैतूल में लगाया है एक प्रथम कार्बन फ्लैक्स टावर, है ना, तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन 2800 नंबर का है, ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में मकड़ी घर कहाँ स्थापित किया गया है? मकड़ी यानी स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये जबलपुर में स्थापित किया है दोस्तों। मध्य प्रदेश में मकड़ियों का म्यूजियम बोल सकते हैं या मकड़ी घर जबलपुर में स्थापित किया गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2018 में स्थापित किया गया है। जबलपुर में मकड़ी घर ये डायरेक्ट आ सकता है, करेंट अफेयर की बुक में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम तेंदू पत्ता का संसाधन है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इंदौर में सबसे कम तेंदू पत्ता का संसाधन है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था। तेंदू पत्ता का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था और तेंदू पत्ता से बीड़ी बनती, बीड़ी बादशाही सौ बीड़ी, है ना, बीड़ी तो तेंदू पत्ता, है ना, और तेंदू पत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है मेरे दोस्तों। तेंदू पत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, लगभग 60% तेंदू पत्ता उत्पादित कर देता है ये। सर्वाधिक उत्पादन जबलपुर वनव्रत में होता है, सर्वाधिक उत्पादन जो है जबलपुर वनव्रत में होता है, तेंदू पत्ता का सर्वाधिक उत्पादन, है ना। देश का सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग जबलपुर में है, देश का सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग जबलपुर में है। तेंदू पत्ता सबसे कम इंदौर वनव्रत में होता है, और बता दिया बाकी चीज तेंदू पत्ता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस राज्य में सर्वाधिक बांस को बंबू भी बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस होता है, और मध्य प्रदेश का भी बालाघाट जिला, जहां मैं रहता हूं, है ना, मैं बालाघाट से ही हूँ, बालाघाट की लालबर्रा तहसील से, है ना। तो बांस को बंबू भी कहते हैं। देश में सर्वाधिक बांस मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पूर्वी भाग में होता है। दक्षिण पूर्वी भाग जैसे बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा इधर साइड होता है, बालाघाट को बांस जिला भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स प्रजाति का बांस पाया जाता है। मध्य प्रदेश में डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्स प्रजाति का बांस पाया जाता है जो मध्य बालाघाट में, और ये नर बांस है एक प्रकार का, और बांस जो होता है वो एक प्रकार की सबसे बड़ी घास है दोस्तों बांस एक प्रकार की सबसे बड़ी घास है, है ना। तो बांस से अब क्वेश्चन आएगा तो बना लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में सर्वाधिक बांस का विस्तार पाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था दक्षिण पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है, बांस का सरकारी शोरूम कहाँ पे है? तो इंदौर में है दोस्तों बांस का सरकारी शोरूम। बांस जिला बोलते हैं बालाघाट को, है ना, लेकिन यहाँ बात हो रही है सरकारी शोरूम की, इसलिए टेंशन नहीं लेना है अपने को, टिक करना है बस। अगला, राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। तीन जुलाई 2013 को किया गया था। कब किया गया था? 3 जुलाई 2013 को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, लाख का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? ये उमरिया जिले में है दोस्तों। लाख बनाने का, लाख होती है पेड़ में, लाखें निकलती, लाख का सरकारी कारखाना उमरिया में स्थापित है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते रहता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसको रट्टा मार लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फेडरेशन यानी मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादन का ब्रांड क्या का नाम क्या रखा गया है? तो विंध हर्बल नाम रखा गया है दोस्तों, विंध हर्बल नाम रखा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन अपने पीईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहां पर है? तो खैर वृक्ष से कत्था बनता है मध्य प्रदेश में दो जगह, एक तो बनता है शिवपुरी में और दूसरा बनता है बनमौर औद्योगिक क्षेत्र है मुरैना में है दोस्तों। तो इसका आंसर देखो ये है, बनमौर कहाँ पर है? मुरैना में। और कभी उल्टा पूछा कत्था कौन सी जनजाति बनाती है, तो खैर नाम की जनजाति भी होती है, कत्था बनाने का काम करती है। आगे समझ, दो जगह बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, इतना याद रखो बस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो साल का बीज जो है वो व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है, या व्याख्या दी रखी है, पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औषधि पौधा मिशन का कार्य नहीं है बोला है, तो औषधि पौधों का उत्पादन की ब्रांडिंग व बिक्री इसका कार्य नहीं है, समझ में आ गया, बाकी ये सब उसके कार्य हैं।
देखो पटवारी 2017 में आया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा नहीं है? तो अश्वगंधा औषधि पौधा है, उससे औषधि बनती है। लेमन ग्रास नाम का एक पौधा होता है, नींबू का जैसा होता है ना वैसे ही, तो लेमन ग्रास नाम का जो पौधा है इससे भी औषधि पौधा है। बेल, जो हमन पूजा करते टाइम पे भगवान शिव को बेल पत्ती चढ़ाते हैं, है ना, वो बेल का पौधा इसको ही बोलते हैं। बेल पत्ती फल भी लगता है, इतना बड़ा बड़ा बेल टाइप का। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी जो है औषधि पौधे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार फॉरेस्ट की एग्जाम में, इसको रट लो। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 24 जुलाई 1975 को वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। ये डायरेक्ट आएगा पेपर में क्वेश्चन, कब की गई थी? 24 जुलाई है दादा, 24 जुलाई 1975, याद ही रख लो इसको। 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अब इसकी मैं क्या ट्रिक बताऊंगा, याद रखना पड़ेगा, नंबर लेना है तो। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में औषधि पौधा जो हर्रा होता है, हर्रा भेड़ा और आंवला का नाम आपने सुना होगा, हर्रा हर्रा वैसे ही हर्रा होता है। हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो हर्रा सबसे ज्यादा इधर बालाघाट छिंदवाड़ा तरफ होता है, और इसका मतलब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की तरफ होता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की तरफ होता है हर्रा। देखो छिंदवाड़ा साइड वाले लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये भोपाल में है, इसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना कब की गई थी करके बोला है यहां पे। जबलपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में की गई थी। क्या हुआ था? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, देहरादून जो उत्तराखंड में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना की गई थी 1963 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधक संस्थान जिसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ये भोपाल में है, जबलपुर मत लगा देना, भोपाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है दादा? भोपाल में है, जबलपुर टिक मत लगाना। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2018 को भारतीय वन प्रबंधक संस्थान के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, डॉक्टर उमेश प्रजापति को नियुक्त किया गया था। अगला बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगला क्वेश्चन, पढ़ लेना आप पॉज करके वीडियो। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय जो बालाघाट में, इसी को बोलते हैं दोस्तों रेंजर कॉलेज, इसी को बोलते हैं रेंजर कॉलेज, इसी को बोलते हैं वन राज्यिक महाविद्यालय। तो मध्य प्रदेश में वन राज्यिक महाविद्यालय या रेंजर कॉलेज पूछेगा तो बालाघाट जिले में है, बालाघाट जिले में, मैं बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील में रहता हूँ, तो इस कॉलेज के सामने से बालाघाट जाता हूँ कई बार, है ना। तो ये बालाघाट जिले में है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा रेंजर कॉलेज कहाँ पर है, तो सीधे लगाना बालाघाट। रेंजर कॉलेज को ही बोलते हैं राज्यिक वन राज्यिक महाविद्यालय, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उष्ण कटिबंधी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसके आंसर यहाँ दिए हुए हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है ना, सॉरी जबलपुर में है। उष्ण कटिबंधी वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा डायरेक्ट जबलपुर में। अगला है, राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण केंद्र सिवनी में है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक नहीं आया पेपर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये देखो एक अंतर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, 1982 में हुई थी स्थापना। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, उष्ण कटिबंधी वन अनुसंधान जबलपुर, और देखो यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट ये छिंदवाड़ा में है, ये मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है दोस्तों। सामने का वैसे ही है लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा। इसके अलावा
ये बालाघाट वाला इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का ये वन महाविद्यालय यानी इसको क्या बोलेंगे, वन राज्यिक महाविद्यालय रेंजर कॉलेज बालाघाट में 1979 में हुई थी स्थापना। उसके बाद एक बैतूल में भी है, वन महाविद्यालय बैतूल में है जिसको वन प्रबंधक शिक्षा केंद्र कहते हैं, बैतूल में 1980 में हुई थी स्थापना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ से बस इतना ही है। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये पहला वाला उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, दूसरा उसके बाद पूछा जाता है सबसे ज़्यादा भोपाल वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बालाघाट वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और उसके अलावा ये छिंदवाड़ा वाला पूछा जाता है। ये चार ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी तक के, मैं इतने साल से पेपर दे रहा हूँ तो, है ना। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2008-09 में की गई थी दोस्तों, 2008-09 में की गई थी अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की। अमृता देवी क्या हुआ था, 1971 में खेजड़ी नरसंहार, खेजड़ी नरसंहार, खेजड़ी जो है राजस्थान का जोधपुर में एक गांव था, खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश में करती थी ये, खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश करती थी, वहां बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के नाम पे पुरस्कार की शुरुआत करी है ना। कभी पूछेगा अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाता है, इतना याद रखना है बस। अगला बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 2009-10 में की गई थी, ये वन्य प्राणी सुरक्षा को दिया जाता है, वन्य प्राणी की सुरक्षा करने वाले लोगों को या संस्थाओं को दिया जाता है बसामन मामा स्मृति। बसामन मामा कौन थे, तो बसामन मामा प्राणियों के जो प्राणी जीव जंतु इनके रक्षक, इनके देवता माने जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये राज्य जैव विविधता पुरस्कार का प्रारंभ यानी सी में किया गया है, 18 में किया गया, इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये सामाजिक वनीकी योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये 1976 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 1976 में सामाजिक वनीकी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने यानी मध्य प्रदेश में पहले प्रारंभ की गई थी, सब पुराने पेपर आते हैं रिपीट होके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, तेंदुपत्ता संग्रहालय में चरण पादुका योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों सिंगरौली जिले में, है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो वनांचल सेवा जो है 20 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई थी, देख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, 23 सितंबर 1974 को किया गया था, ये क्वेश्चन आते रहता है, रिपीट होते रहता है। मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 23 सितंबर 1974 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 2005 में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो 3 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर बनाया गया था पचमढ़ी को दोस्तों, है ना। इसके बारे में देखो डिटेल में यहां बता देता हूं मैं, ये देखो ये मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर तीन है दोस्तों, तीन बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। अरे कैसे हो गया, रुको चल नहीं रही है पेन, हाँ। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है, पहला बना था पचमढ़ी, कब बना था, 3 मार्च 1999 को, दूसरा बना था अमरकंटक का ही नाम अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरा बना था 30 मार्च 2005 को, और वर्तमान में लेटेस्ट वाला है पन्ना को 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर बनाया गया दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर क्या होते हैं, वहां पे कई सारे, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण, कई अभ्यारण हो सकते हैं, है ना। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, यानी ऐसा रहेगा। इसका डायग्राम का भी रीजनिंग में पूछा तो ऐसा रहेगा, समझ में आ गया।
है ना। तो मध्य प्रदेश में तीन बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है, पहला बना था पचमढ़ी, दूसरा बना था अमरकंटक, तीसरा बना था वर्तमान में पन्ना। और भारत में टोटल 18 है दोस्तों, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है, पहला बना था नीलगिरी की पहाड़ी और नया वाला यही पन्ना है 18वें नंबर का। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जैव विविधता स्थलों की संख्या मध्य प्रदेश में मात्र दो है दोस्तों, दो ही को बना के रखा गया है अभी तक के, एक पातालकोट जो छिंदवाड़ा में आता है और एक नारो पहाड़ सतना, ये दो ही है जैव विविधता स्थलों की संख्या, दो ही है। तो दोनों को नाम याद रखिए, ये जैव आरक्षित क्षेत्र था और ये जैव विविधता विरासत स्थल है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, सीधे याद करना है बस। मध्य प्रदेश में जय प्रौद्योगिकी पार्क किस जिले में स्थित है, ये इंदौर में है, ये इसको में गड़बड़ कर सकते हो आप, याद रखना है, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, ये इंदौर में है। जय विविधता पार्क किस जिले में है, तो इंदौर में है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, मध्य प्रदेश में इको डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 17 जुलाई 2006 को इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का गठन 5 सितंबर 2007 को किया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, कब किया गया था पूछेगा तो सीधे बता देना है आपको, 5 सितंबर 2007 को किया गया था। अगला क्वेश्चन भी आते ही रहता है, इस बार भी आएगा पीएससी में, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधक संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में है दोस्तों, जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1984 को की गई थी, है ना, जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1984 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 में की रात की बात है, 12 बजे के बाद हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2-3 कहां लिखा हुआ है, 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, राजधानी भोपाल में हुआ था, है ना, अमेरिका की यूनियन कार्बाइड, अमेरिका की यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी द्वारा जो एक केमिकल बनाती थी, जो एक दवाई केमिकल बनाती थी जिसका नाम था मिथेल आइसोसाइनाइट, देखो साइनाइट लिखा हुआ है यहां पे, लेकिन कई बुकों में साइनेट लिखा हुआ है, तो उसका सही आंसर आपको मैं बता दूं दोस्तों, साइनेट, मिथेन आइसोसाइनेट सही है ना, कभी अगर गैसी गैस का नाम दिया पूरी तो साइनेट सही है, साइनेट लगाना है, मिथेल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव हुआ था जिससे लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, बहुत बड़ी घटना थी वहां की है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है ना, भोपाल गैस कांड पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द प्रेयर ऑफ रेन, तो ये नाम याद रख लो, कोई पीबी की एग्जाम पूछ सकता है। इसमें से यहां से दो चीज इंपॉर्टेंट है, तो देखो दोस्तों यहां भोपाल गैस कांड में कुल कितने वाट थे, तो 56 है ना, और कितने वाट प्रभावित हुए थे, 36, और आप गैर प्रभावित थे 20, तो सामने का ये वाला याद रख लेना है, कभी एग्जाम में आ सकता है पीबी, क्या पीबी जब पागल हो जाता है तो ऐसी क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये देखो ये 56 टोटल वाट, 56 थे, 36 और ये 20, इसको देख लेना याद बार। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, मिथेल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, और भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो अगला क्वेश्चन वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है पूछा है, तो ये भोपाल में है, देख लेना इसको एक बार। अगला है पर्यावरण नियोजन एवं सामान्य संगठन की स्थापना 5 जून को की गई थी, 5 जून 1981, इसको भी देख लेना है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश में राज्य झील संरक्षण प्राधिकरण कब आया, तो 26 जुलाई 2004 को आया था, है ना, 26 मई 2004। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो राजधानी भोपाल में जो राजा भोज झील है उसको आर्द्र भूमि की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था,
उसको आद्र भूमि की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2002 में शामिल किया गया दोस्तों, जो राजा भोज ताल है उसको आद्र भूमि की सूची में 2002 में शामिल किया गया था। रामसर समझौता हुआ था ईरान, ईरान की एक जगह है रामसर, ईरान देश की एक जगह है रामसर समझौता 1971 में हुआ था। रामसर समझौता जो हुआ था 1971 में हुआ था, वहां पे ये फैसला लिया गया था कि हम आद्र भूमियों को बचाएंगे, नम भूमि को बचाएंगे। इसी के लिए ये संधि साइन हुई थी 2 फरवरी को, ये संधि साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 को। और इसी कारण 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। ईरान में हुआ था, ईरान की रामसर समझौता, ईरान में एक जगह है रामसर नाम की, वहां हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2002, याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण कब आया था? तो ये 16 सितंबर 2018 में आया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं विक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये 24 अप्रैल 2017 से लगाया गया है, 24 अप्रैल 2017 से प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन एवं विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी बिक रही है, अब क्या कर सकते हो। तो 24 अप्रैल 2017 तारीख है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से जारी राष्ट्रीय आपदा सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का चतुर्थ स्थान है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब पुराने सहवाल मिले हैं? तो ये मिले हैं सतना जिले के चित्रकूट में, सतना जिले के चित्रकूट में मिले हैं, याद रखना है। कहाँ? चित्रकूट, सतना जिले के चित्रकूट में। ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी पॉज करके। मध्य प्रदेश में बारह सिंगा को राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, पशु पक्षी और वृक्ष, ये तीनों चीज को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 में दर्जा दिया गया था। समझ में आया? 1 नवंबर 1981 को राष्ट्रीय पशु पक्षी वृक्ष को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था स्टेट का ना। तो देखो यहां लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, बालाघाट मंडला हो गया, यहां पे मिलता है कान्हा नेशनल पार्क में 12 सिंगा, स्टेट एनिमल है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, तो चंबल और केन नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों को घोर संकट ग्रस्त यानी CR में रखा गया है। CR का मतलब होता है, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बता रहा था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महासीर मछली को राज्य की मछली का दर्जा कब दिया गया था? तो महासीर मछली मध्य प्रदेश की राज्य की मछली है, इसको राज्य की मछली का दर्जा 26 सितंबर 2011 को दिया गया था। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 26 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश की राज्य की मछली का दर्जा दिया गया था महासीर मछली को। महासीर मछली का साइंटिफिक नेम क्या है? तो महासीर मछली का साइंटिफिक नेम है टोर जेनेरा, यानी टोर जीन से संबंधित है, एक बात तो याद रखना है, टोर जीन से संबंधित है, साइंटिफिक नेम है टोर प्यूटिटोरा है। तो इसकी तारीख याद रख लेना है। और देखो, ये खरगोन जिले में महासीर मछली का बड़वाहा में प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1981 में राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया था? तो मैंने आपको बताया था राजकीय पशु, राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ में राजकीय यानी स्टेट के बर्ड एनिमल जो भी घोषित किया गया था, है ना। तो किसको घोषित किया गया था? तो दूधराज को घोषित किया गया था। दूधराज को ही साहेब बुलबुल कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसका संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण और सैलाना अभ्यारण में किया जा रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क है रायसेन में, वहां हर प्रजाति की तितली रखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रायसेन में प्रथम तितली पार्क खोला गया है। रायसेन के अलावा दूसरा तितली पार्क राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण जो इंदौर में है वहां भी खोला गया है। तो दो दो हो गए हैं अपने यहां। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1974 में आया था मध्य प्रदेश वाला, भारत में आया था 72 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, अपने मध्य प्रदेश वाला 74 में आया था, 15 नवंबर 1974 को। और इसी के तहत 1974 में मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में, टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लाया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता व्यापार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो तेंदू पत्ता व्यापार अधिनियम 28 नवंबर 1964 को लागू किया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था, जो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था, जो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम कब आया था? तो ये 12 अप्रैल 2001 को आया था, ये भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखो अधिनियम दिए हुए और सन दिए हुए, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं ये कौन से यहां से इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला, मध्य प्रदेश जल प्रदूषण नियंत्रण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके अलावा तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तीसरा। और उसके बाद चौथे नंबर का इंपॉर्टेंट है, अपशिष्ट यानी अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधक एवं सहाग्रस्त अधिनियम 2011। तो तीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से, पहला वाला याद रखना है, पहला वाला के बाद है तीसरा वाला, और तीसरा वाला के बाद है चौथा वाला। ये तीन ही याद रखना है, 74, 81 और 2011 वाला, क्योंकि बाकी उतने परीक्षा में देखने को नहीं मिले आज तक के, ये तीन परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ, वन एवं पर्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण भी हमने पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, और ये सब भी चैप्टर हमने पढ़ा दिए, चैनल में प्लेलिस्ट बना दिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और शेयर कर दो दोस्तों, सब्सक्राइबर ही नहीं है मेरे पास। धन्यवाद।